वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं गुरकीरत कौर बात करने वाली हूँ सभी एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए, लेकिन स्पेशली फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए इस वीडियो में खास बातचीत होगी। जैसे कि एनडीए 2021 का एग्जाम 14th ऑफ नवंबर 2021 को स्केड्यूल्ड है, तो एनडीए एस्पिरेंट्स जब आपके पास में लगभग 40 से 45 दिन का समय बचा है जिसको आपको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, दैट इज अब टाइम मैनेजमेंट और एक टाइम टेबल अच्छा हो जाए तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। मेल एस्पिरेंट्स को फीमेल एस्पिरेंट्स के मुकाबले बेहद ही ज्यादा समय मिल चुका है एनडीए 2 की प्रेपरेशन के लिए, लेकिन अगर बात की जाए फीमेल एस्पिरेंट्स की, क्योंकि ये एग्जाम उनके लिए बिल्कुल नया है तो उनके लिए बेहद जरूरी हो जाता है 40-45 डेज में अच्छी स्ट्रेटजी और टाइम प्लान के साथ में वो इस एग्जाम की प्रिपरेशन करें। तो आइए आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपकी इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट और टाइम टेबल स्ट्रेटजी के बारे में जो आप फॉलो करेंगे एनडीए 2021 को सक्सेसफुली क्वालिफाई करने में। स्टूडेंट्स, जब भी आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जब एग्जाम डिफेंस ओरिएंटेड है और साथ ही साथ में वो ऑफिसर काडर एग्जाम है, तो यहाँ पे आप तीन तरीके से अपने जो विजन है उनको डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया आपका एक स्टडी प्लान, सेकंड हो गया आपका फिजिकल फिटनेस की रूटीन, और थर्ड आपकी हो जाती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे एम्फेसिस। अगर इन तीनों चीजों का राइट कॉम्बिनेशन आप बना ले जाएं तो आप इस एग्जाम को सक्सेसफुली क्वालिफाई भी करेंगे और फर्स्ट बैच ऑफ एनडीए जो कि फीमेल्स का होने वाला है उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अभी देखना जरूरी ये है कि तीनों को ही आपने इक्वली नहीं यूटिलाइज करना है। अगर बात की जाए स्टडी की, फिजिकल फिटनेस की और साथ ही साथ में पीडी की, इनकी राइट क्वांटिटी को यूज करना है। जैसे हम एक सब्जी बनाते हैं तो उसमें हर एक चीज एक क्वांटिटी की तो नहीं डालते हैं, वैसे ही सब्जी बनाते समय जब हम ये ध्यान रखते हैं कि किस चीज की कितना मात्रा होनी चाहिए तब वो सब्जी का स्वाद बनता है, उसी तरीके से जब आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो किस जगह से कितने राइट एफर्ट्स पुट करने हैं ये हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहली कैटेगरी में स्टडी प्लान की बात करती हूँ, जिसमें मैं आपको एक स्टडी टाइम टेबल रेफरेंस के लिए प्रोवाइड करूंगी जिसको कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाला है एनडीए की प्रिपरेशन के लिए। जब बात एनडीए एग्जाम की हो और बात स्टडी प्लान की हो तो ये चीज दिमाग में बैठा लेनी है कि हमें दो दो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। पहला है एनडीए का पेपर 1 दैट इज मैथमेटिक्स, एंड सेकंड इज एनडीए का पेपर 2 दैट इज जनरल एबिलिटी टेस्ट। दो एग्जाम्स की करीब प्रिपरेशन से ही आप एनडीए का एग्जाम कंबाइंड फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो स्टडी प्लान बनाने से भी पहले सबसे जरूरी चीज जो आपको करनी है वो ये कि इन दोनों दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2 का सिलेबस एनालिसिस कर लेना है। जी हाँ, सबसे पहला काम सिलेबस का एनालिसिस। तो सिलेबस एनालिसिस करके उसके प्रिंटआउट्स निकलवा के या फिर अपने हैंड रिटन नोट्स बना के उसे आप अपनी वॉल पे स्टिक कर दीजिए। इससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि आपको इतने एरियाज को कवर करना है। इसको करने के बाद में सेकंड काम जो बनता है वो ये है कि आपने अपनी दीवार के ऊपर कुछ मोटिवेशन एनडीए से इंस्पिरेशन स्टिक कर लेना है, क्योंकि जब जब आपका मन करेगा मकड़ा मारने का या लेजीनेस फील होगी या प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे आप अपनी चीजों को, उस दीवार को उस पोस्टर को देखते हुए आप मोटिवेट हो जाएंगे कि नहीं मुझे और पढ़ाई करनी है क्योंकि मेरा कॉम्पिटिशन बहुत सारे लोगों से, और सबसे बड़ी बात मेरा कॉम्पिटिशन खुद से क्योंकि मुझे वो गोल तक पहुंचना है। थर्ड थिंग आपको इसमें ये करनी है कि आपने एक स्ट्रेटेजी फॉर्म करनी है। डेफिनेट सी बात है फीमेल एस्पिरेंट्स तो इस एग्जाम को पहली बार दे रही होंगी, उन्हें तो एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, तो वो इतने कम समय पे एक्सपीरियंस्ड स्ट्रेटेजी कैसे फॉर्म करेंगे, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक सब्जेक्ट की 45 डेज की स्ट्रेटेजी मैंने वीडियो के लिंक शेयर कर दी है, जिसको देख के आप हर एक सब्जेक्ट के आपके सिलेबस को देख के अपनी स्ट्रेटेजी बना लीजिए, क्योंकि आपने अब करना क्या है सिलेबस देखना है और वो स्ट्रेटेजी देखनी है जो टीचर ने बताई है। अब इसके बाद में आपको ये देखना है कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से और वीक एरियाज कौन से हैं। तो स्ट्रॉन्ग एरियाज को कम पॉइंट में कवर करना है और साथ ही साथ में वीकर सेक्शंस को आपने थोड़ा ज्यादा टाइम देके कवर करना है। तो इस तरीके से आपकी जो एक ओवरऑल प्रिपरेशन है विद रेफरेंस टू योर सिलेबस, योर स्ट्रेटेजी और साथ ही साथ में योर मोटिवेशन, ये रेडी हो जाती है। जब आपने इतनी चीजें तैयार कर लिए दैट इज इंग्रेडिएंट्स आपके रेडी हो चुके हैं, अब आइए देखते हैं फाइनल रेसिपी दैट इज योर टाइम टेबल, उसका क्या स्केड्यूल होने वाला है। तो टाइम टेबल के स्केड्यूल के लिए स्टूडेंट्स हमेशा से हमारे जो बुजुर्ग है वो ये कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जी हाँ, तो आपने कुछ ऐसी ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, बिकॉज एक डिफेंस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वो दिन में सुबह उठे
क्योंकि सुबह उठने से जो आपको ताजगी, फ्रेशनेस और एनर्जी मिलती है वो आपको लेट उठने से नहीं मिलती है। तो सबसे पहला काम आपने अपनी जो डेली की जो टाइम टेबल है, दिनचर्या है, उस पे एम्फसाइज करना है एक डिफेंस एस्पिरेंट की तरह। क्योंकि एक डिफेंस एस्पिरेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लेजी नहीं होगा, वो टाइम से उठेगा, टाइम से सोएगा, टाइम से खाना खाएगा, टाइम से अपनी बाकी सारी एक्टिविटीज को टाइम देगा। अब क्योंकि एनडीए का एग्जाम 40-45 डेज दूर है, तो इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि हम अपने खेल कूद को, अपनी फिजिकल फिटनेस को बिल्कुल भी टाइम नहीं देंगे। जी नहीं, अब मैं बताती हूँ आपको एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल आप कैसे फॉलो कर सकते हो। आपको अपने लिए सबसे पहले मॉर्निंग में उठने का एक समय तय करना है। वो 5 बजे भी हो सकता है, वो 6 बजे भी हो सकता है, लेकिन ये समय ऐसा होना चाहिए जिसमें आप डेली उठ जाए रेगुलरली और अपनी रिविजन को स्टार्ट कर दें। सवेरे सवेरे आप उस सब्जेक्ट की रिविजन करिए जो आपको टफेस्ट लगता है। जो टफ सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आप मॉर्निंग एनर्जी अपनी लगाइए, बिकॉज मॉर्निंग में जो आपकी एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, तो उन सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं मॉर्निंग के वो फर्स्ट रिविजन के बाद में। अब टाइम आता है कि आप उसके बाद में एक टाइम निर्धारित करें जिसमें आप फ्रेश अप हो सकते हैं और साथ ही साथ में बेडरूम में और बेसिक अपनी जो नेसेसिटीज है, फिजिकल जो आपकी मैं बोलूं हाइजीन से रिलेटेड चीजें, उनको कंप्लीट करके अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लें। अब इतना करने के बाद में आपके पास में जो टाइम बचता है उसमें आप फिर से रिविजन करना स्टार्ट कर सकते हैं। बीच में फिर आप एक ब्रेक लें, दैट इज ब्रंच ब्रेक। ब्रंच ब्रेक में जरूर कुछ लें, क्योंकि अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं और इनटेक नहीं कर रहे हैं खाने का, तो डेफिनेट सी बात है एक समय के बाद में आपको इरिटेशन होगी, थकान महसूस होगी, जिसकी वजह से आपकी जो एनर्जी है वो प्रॉपर तरीके से उस पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं लग पाएगी। ये करने के बाद में अब आपने फिर से ब्रंच के बाद में थोड़ी सी रिविजन कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा आप चिल आउट होने के लिए अपना मोबाइल फोन या कुछ स्पेसिफिक चीजें या फिर हो सकता है न्यूज वगैरह देख सकते हैं। दैट शुड बी आल्सो टाइम टारगेटेड लाइक 15 मिनट्स और 20 मिनट्स और सो, एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद योर रिविजन। इसके बाद में आ जाता है आपका लंच का टाइम। लंच अच्छी मील ले, लंच को स्किप मत करें, लंच में हार्डली 30 मिनट्स रखने, उतना टाइम डिवोट करें और अच्छे तरीके से अपने लंच को कंप्लीट करें। लंच कंप्लीट करने के बाद में रेस्ट कीजिए, बिकॉज अब सुबह के उठे हुए और अभी तक आपने बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लिया है। रेस्ट करने के बाद में जब आप फिर से उठते हैं उसके बाद में फिर से आप थोड़ा बहुत रिविजन कर सकते हैं। रिविजन के बाद में अगेन उसके बाद में आपने लेनी है एक इवनिंग ब्रेक। इवनिंग ब्रेक लेने के बाद में थोड़ा सा टाइम निकालिए अपने फिजिकल टाइम टेबल के लिए, जिसमें कि आप फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे सकते हैं, जिसमें आप बाहर वॉक के लिए जा सकते हैं, जॉग के लिए जा सकते हैं। हैवी एक्सरसाइजेस मत करिए, 40-45 दिन का समय है, बिकॉज हैवी एक्सरसाइज में होता है जनरली कि हमारे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चोट लगने के डर रहते हैं, तो हमने उस चीज को अवॉइड करना है। तो हमने हल्का फिटनेस फिजिक का जो रूटीन है उसको जारी रखना है। उसको जारी रखने के साथ साथ में वापस आइए घर पे और फिर से अपनी थोड़ी बहुत रिविजन करिए। रिविजन करने के बाद में थोड़ा सा टाइम फैमिली के साथ में स्पेंड करिए और डिनर करिए। डिनर करने के बाद में दो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, दैट इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट डे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुबह से लेके आपने शाम तक जो किया उसको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करिए कि क्या जो मैंने अपने लिए गोल सेट किया था मैंने उसको कंप्लीट किया है कि नहीं। यदि आप 100% सेटिस्फाइड है तभी आप नेक्स्ट टास्क दैट कर की गोल प्लानिंग के लिए लगेगा, वरना आप उसी समय अपने टाइम सेट करेंगे और फिर से अपने उस गोल को कंप्लीट करेंगे उसी दिन उस गोल को कंप्लीट करने के बाद में फिर नेक्स्ट डे का गोल भी आपने उसी दिन रात में सेट करना है, ताकि नेक्स्ट डे जब आप सुबह उठे तो आपकी प्लानिंग क्लियर हो, आपको ये सोचने में ना टाइम लगे कि मुझे पढ़ना क्या और क्या छोड़ना है। इतना करने के बाद में आपने जैसे ही अपना नेक्स्ट डे का टाइम रूटीन सेट कर लिया, अब आप अपनी आंखें बंद करके आराम से सो जाएं। बिकॉज जब एक स्टूडेंट लाइफ में आप होते हैं तो आपको बहुत सारे डेविएशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया, मोबाइल फोन्स, फ्रेंड्स, पार्टीज, बहुत सारी चीजें, बट यहाँ पे इन सभी चीजों को ओवरकम करना है और इन सभी को ओवरकम करते हुए ही आप एनडीए के एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। मोर और लेस जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अभी कॉलेजेस में एडमिशन लिया एज अ बैकअप प्लान, तो उनको भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि कॉलेज की क्लासेस डेफिनेटली बात है वो भी टाइम कंज्यूमिंग होती है, लेकिन जब आप कॉलेज की क्लासेस कर रहे हैं या फिर आप पीसीएम के होंगे या फिर आप आर्ट्स के होंगे तो कॉमर्स के होंगे, तो आपको वहां से ये अपना कंपैरिजन करना होगा अपने एनडीए के सिलेबस के साथ में, क्या आपके स्ट्रॉन्गर सेक्शंस हैं जिसमें आप कम से कम टाइम दे पाएंगे और वो आपके क्वालिफाई हो सकते हैं, तो वो सेक्शंस को आप कम टाइम दें और जो आपके पास में कॉलेज की क्लासेस के बाद में बचा हुआ टाइम है उस टाइम के दौरान आप उन सेक्शंस पे यूटिलाइज करें वो टाइम जो आपके सबसे ज्यादा वीक सेक्शंस है।
तो ऐसे करके एक स्टेबल स्ट्रेटजी आपकी टाइम टेबल की बन जाएगी एनडीए के लिए। और साथ ही साथ ये हमेशा से ध्यान रखें कि आपको अपने डेली टाइम टेबल में या वीकली टाइम टेबल में मॉक टेस्ट को जरूर इंक्लूड करना है, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपकी आपकी स्पीड और आपकी टाइम मैनेजमेंट को काफी ज्यादा बढ़ावा देंगे। बिना मॉक टेस्ट के आपको पेपर का एनालिसिस नहीं होगा, अंदाजा नहीं लगेगा और अपनी स्पीड के बारे में पता नहीं चल पाएगा। मॉक टेस्ट के लिए आप दे सकते हैं ऑल इंडिया रैंक के टेस्ट, जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी रैंक को ऑल इंडिया लेवल पर पहचानने के लिए। सो होप आपको यहां तक मेरी बात समझ में आई होगी। एनडीए पेपर है क्या, इसकी एग्जैक्ट जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी 120 डेज की स्ट्रेटजी का लिंक जरूर मिल जाएगा। उस स्ट्रेटजी से भले ही आपके पास में 45 डेज बचे हो, लेकिन वो 120 डेज के स्ट्रेटजी से आपको एक डीप इनसाइट मिल जाएगा एटलीस्ट व्हाट एनडीए इज। क्योंकि एनडीए का मतलब सिर्फ रिटन की तैयारी नहीं है, एनडीए इज अ टेस्ट जहां पर रिटन प्लस सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के 5 दिन के इंटरव्यू को क्वालिफाई करके ही आप इस एग्जाम के असल दावेदार बन पाएंगे। तो आइए अब इस वीडियो के सेकंड एस्पेक्ट की बात करती हूँ, फिजिकल फिटनेस की। फिजिकल फिटनेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एसएसबी इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक अच्छा फिजिकली फिट कैंडिडेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के लिए एक बहुत ही ज्यादा एलिजिबल कैंडिडेट बन जाता है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए। क्योंकि फिजिकली फिट अगर आप रहेंगे तो डेफिनेट सी बात है आपके अंदर एक्टिवनेस ज्यादा रहेगी, आप प्रोएक्टिव ज्यादा रहेंगे और साथ ही साथ में एसएसबी के स्पेशली जीटीओ टेस्ट के दौरान आपका परफॉर्मेंस अबव एज होगा, और साथ ही साथ में ये अबव एज परफॉर्मेंस आपको हेल्प करेगा आपके कॉम्पिटिटर्स से आगे दौड़ने के लिए। तो फिजिकल फिटनेस के लिए भी आपको डेली थोड़ा समय देना है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप जॉग कर रहे हैं तो जॉगिंग करते समय भी आपको अवेयर रहना है कि आप जॉग कर रहे हैं तो डेली कितनी देर की जॉगिंग कर रहे हैं, कितने मिनट में कितना डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं, किस रूट को फॉलो करके आप जॉग करते हैं, आप कौन सी ड्रेस पहन के जॉग करते हैं, जॉगिंग करने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। बिकॉज अगर आपने एसएसबी इंटरव्यू में बोला कि आप जॉगिंग करते हैं तो आपसे एक्स वाई जेड जितनी भी जानकारियां हैं जॉगिंग के रेफरेंस में वो सभी पूछ ली जाएंगी। तो फिजिकल एक्टिविटी में जो भी आपने एक बेसिक रूटीन फॉलो करनी है उसके बारे में पूरी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, चाहे फिर वो योगा हो या आप जिम जा रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, व्हाटएवर इट इज, बट बी अवेयर फॉर व्हाटएवर यू आर डूइंग इफ यू वांट टू क्वालिफाई द नेशनल डिफेंस एकेडमी एसएसबी इंटरव्यू। अब आइए इस वीडियो के थर्ड एस्पेक्ट के बारे में बात करूंगी, दैट इज द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एक अच्छी पर्सनालिटी आपके फर्स्ट इंप्रेशन को मेक भी कर सकती है और ब्रेक भी कर सकती है। एंड एट द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यू विल गेट 5 डेज, बट द चांस वुड बी ओनली वंस, बिकॉज उस 5 दिन के प्रोसेस में आप टेस्ट में एक ही बार परफॉर्म कर पाओगे, बार बार नहीं, लेकिन मल्टीपल टाइम्स ऑफ टेस्ट होंगे तो आपको मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल टेस्ट में परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ एक बार मिलेगा, और उसे एक बार में अच्छा परफॉर्म करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें तो फिर वो चाहे आपका उठना बैठना हो, चाहे वो बात करने का तरीका हो, सोचने का तरीका हो, ऑब्जर्वेशन स्किल्स हो, जनरल अवेयरनेस हो, या फिर आपके स्पोकन दैट इज इंग्लिश की बात की जाए, ये सभी कॉम्पोनेंट्स मिक्स होके एक आपकी पर्सनालिटी को बनाते हैं। और ऑल्सो योर ड्रेसिंग सेंस मेक्स अ सेंस। सो इन योर पर्सनालिटी पोर्शन आपको हमेशा से ध्यान रखना है कि पर्सनालिटी को ग्रो करने के जितने कॉम्पोनेंट्स हैं उन सभी को आपने कंबाइंड फॉर्म में यूटिलाइज करना है अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। पर्सनालिटी का मतलब यहाँ पे फिजिकल अपियरेंस मत समझेगा, पर्सनालिटी मीन्स व्हाट यू आर एज अ पर्सन, आप कितने अवेयर हैं, क्योंकि अगर अवेयर आप ज्यादा हैं और दिखते थोड़े कम अच्छे हैं आप ही को लोग ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात। तो एनडीए के प्रेपरेशन के साथ साथ में अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करिए। मैं इतना ही बोलूंगी, इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर फर्स्ट बिहेव लाइक वन, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू फॉलो डेडली, बिकॉज दिस इज अ टफ कॉम्पिटिशन एंड द रेयर ऑफ द रेयरेस्ट एंड द बेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट ओनली गेट सिलेक्टेड फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, लेट मी टेल यू दिस वन थिंग। सो स्टूडेंट्स, होप मेरे आज के इस वीडियो से आपको एक क्लियर डीप इंसाइट मिला होगा अबाउट द नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन एंड हाउ इन 30 टू 45 डेज यू कैन जस्ट हैव अ गियर अप ऑन अ गुड स्ट्रेटजी एंड अपनी प्रिपरेशन को आप गियर अप कर सकते हो। करना सिर्फ इतना है कि आपने अपनी चीजों को डिवाइड करना है, क्योंकि एक ऑफिसर के अंदर एक ओएलक्यू होती है जिसका नाम होता है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। तो आपने यहाँ पे अपनी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को थोड़ा सा एम्फसाइज करना है और साथ ही साथ में डिटर्मिनेशन भी अपनी रिफ्लेक्ट करनी है, तभी आप जाके अपने इंटरव्यू को भी क्वालिफाई कर पाएंगे, बिकॉज एनडीए इज ऑल अबाउट रिटन प्लस एसएसबी इंटरव्यू। सो ऑल यू नीड इज अ गुड मिक्सचर ऑफ ऑल द एफर्ट्स दैट यू वुड बी मेकिंग इन to make up for this particular examination.
विद दिस, अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन घर बैठे करना चाहते हैं ऑनलाइन माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं एनडीए 2021 प्रेरणा बैच एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स, जो आपको हेल्प करेगा आपके इस ड्रीम को अचीव करने के लिए। और यदि आप ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एनडीए 2021 प्रगति बैच स्पेशली फॉर गर्ल्स। ये दोनों ही बैचेस में आपको क्लासेस दी जाएंगी 4 आवर्स की, साथ ही साथ में डीसेस सेशंस होंगे, फ्री एसएसबी इंटरव्यूज का एक्सपोजर होगा, वीकली मॉक टेस्ट होंगे और साथ ही साथ में क्लासेस बायलिंगुअल होंगी। अच्छे स्टडी मटेरियल की वजह से आपको इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में आसानी मिलेगी। सो विद दिस एस्पिरेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर द वीडियो इफ यू लाइक सो, हेल्प योर फ्रेंड्स इन मेकिंग द ड्रीम कम ट्रू। जय हिंद। सेंचुरी डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।